दोस्तों नमस्ते, ऋतु रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे मूढ़ी के लड्डू, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ 450 ग्राम गुड़ है, तो मूढ़ी के लड्डू के लिए हमें चाहिए गुड़, तो ये 450 ग्राम है। दोस्तों ये 250 ग्राम मुरमुरे हैं। दोस्तों इसमें पानी डालेंगे 200 ग्राम, ये 200 ग्राम पानी। दोस्तों पानी गर्म हो चुका है, अब 200 ग्राम पानी में हम डालेंगे 450 ग्राम गुड़। दोस्तों इसे पिघलने तक इंतजार करेंगे। दोस्तों गुड़ ये पूरी तरह से पिघल चुका है। दोस्तों ये गन्ने का गुड़ है, यानी शुगर कैन गुड़, आप चाहे तो इसमें खजूर का गुड़ आप ले सकते हैं। दोस्तों अब हम एक कढ़ाई लिए हैं और इस कढ़ाई में जाएगा ये पिघला हुआ गुड़। गुड़ को धोने का ऑप्शन तो है नहीं दोस्तों, इसलिए गर्म पानी में पिघलने के बाद इसको आप छाक कर ही लीजिए, नहीं तो कभी कभार इसमें गन्ने का रेसा वगैरह आ जाता है। देखिए गन्ने से कितना ये रेसा वगैरह निकला है, इसलिए आप छाक कर ही लीजिए। इसे हम 8 से 10 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे। दोस्तों देखिए गुड़ में बबल्स आ चुका है, तो सारा पानी सोख लिया और गुड़ ही रह गया है, और एक धीमी धीमी बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है। तो समझ जाइए आपका गुड़ पक गया है। और अगर समझ में ना आए तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ कटोरी में पानी है और पानी में गुड़ डालेंगे, तो देखिए गुड़ जम जाता है, तो समझिए हो गया है। देखिए पानी में गुड़ जम गया है, तो आप समझिए कि आपके गुड़ परफेक्टली पक चुका है, तो आप अभी मुड़मुड़े दे सकते हैं। दोस्तों देखिए आपकी गुड़ में इस तरीके से झाग करना चाहिए, तो अब हम डालेंगे मुड़मुड़े को, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे धीरे धीरे और गैस को स्लो कर दीजिए, इसमें और मुड़ी आएगा। दोस्तों गुड़ इस तरीके हो जाए तो आप समझिए कि इसमें और मुरी डालना पड़ेगा, मुरमुरे। दोस्तों सॉरी, हम बंगाली है ना, मुरी कहते हैं, तो हमें तो मुरी ही आते हैं, इसे मुरमुरा कहते हैं। दोस्तों इसी तरह 2 मिनट स्लो फ्लेम में आप इस तरीके इसको पकाते रहिए, 2 मिनट ज़्यादा नहीं। दोस्तों अच्छे से मिक्स हो चुका है गुड़ और मुरमुरे, गैस को हमने बंद कर दिए। और दोस्तों जब भी आप मुरी को इस तरीके से थाल में मुड़ी को चाल लीजिए, ताकि मुड़ी साफ़ हो जाएगा। गुड़ को भी हमने साफ़ कर दिए। दोस्तों 1 मिनट के बाद हाथ लगाइएगा लड्डू बनाने में, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। तो 1 मिनट तक अब इसी तरह से मिलाते रहिए और 1 मिनट के बाद लड्डू बनाइए हाथ में थोड़ा घी लगाकर। दोस्तों हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया और इस तरह से मिक्स करिए और थोड़ा थोड़ा मुरमुरे लीजिए और इसका लड्डू का शेप दे दीजिए। दोस्तों 1 मिनट ठंडा होने के बाद ही पकड़िएगा। दोस्तों आप सफ़ेद तेल भी ले सकते हैं, यानी रिफाइंड तेल भी आप हाथ में लगा सकते हैं, या फिर आप पानी में भी हाथ डुबो सकते हैं, लेकिन अगर घी लगाकर बनाएंगे तो ये अच्छा खुशबू देता है, तो कोशिश कीजिए कि घी लगाकर ही कीजिए। एक लड्डू बन गया, सब बनाकर मिलते हैं। दोस्तों इस तरीके से एक कटोरी लीजिए और कटोरी भर भर के आप लड्डू बनाइए, तो सारा लड्डू परफेक्टली बन जाएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों हमने लड्डू बनाते बनाते ये ना ठंडा हो गया, तो इसे थोड़ा गैस में रख के गर्म कीजिए। जब ये ठंडा हो जाता है तो इस तरीके से कढ़ाई में चिपक जाता है, तो थोड़ा सा आप गर्म कीजिए तो दोबारा ये लूज हो जाएगा, तो फिर से ये लड्डू बन सकता है। दोस्तों देखिए किस तरह छोड़ दिए कढ़ाई थोड़ा सा गर्म करने के। तो अब हम इसे दोबारा लड्डू बनाएंगे, तो घर में आपका जितना भी सदस्य है सब मिलके बनाएंगे, तो ये ठंडा होने का नौबत नहीं आएगा। हम अकेले बना रहे हैं इसलिए हमारा थोड़ा ठंडा हो गया, तो ठंडा होने के बाद आप थोड़ा फिर से गर्म कर लीजिए और आप फिर से लड्डू बना लीजिए। दोस्तों ये लड्डू रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों ये एयर कंटेनर डब्बे में रख के आप 1 महीने तक खा सकते हैं, तो आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।